सो हाय गाइस, स्वागत है आपका प्रीमियर प्रो के इस नए एपिसोड में। और अगर आपने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको प्रीमियर प्रो के बेसिस के बारे में बताया कि प्रीमियर प्रो का इंटरफेस कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती है, वो सब बताया था। तो इस वाले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किसी भी फुटेज को या ऑडियो को या जितना भी मटेरियल हम प्रीमियर प्रो में यूज करते हैं, एडिटिंग में यूज करते हैं, वो सब प्रीमियर प्रो के अंदर कैसे इम्पोर्ट करेंगे। और दूसरी बात कि सीक्वेंस को कैसे बनाते हैं, किस तरह का सीक्वेंस बनाते हैं, वो सब हम आपको इस एपिसोड में डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, बहुत ज़्यादा डिटेल होने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग जो है हो सके तो पहले पिछले वाले वीडियो भी जरूर देखिए, और अगर आपने देख लिया तो इस वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने पिछले वाले एपिसोड में बताया था आपको, प्रोजेक्ट किस तरीके से सेव करना है, कहाँ पर करना है, क्या बनाना है, क्या सेटिंग रखनी है, वो सारे मैंने आपको पिछले वाले एपिसोड में बताया है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सपोज मेरे पास एक वेडिंग है, इंगेजमेंट है, सॉरी। तो मैं इसी मैंने इंगेजमेंट करके एक प्रोजेक्ट, ये मैंने आपको पहले बता रखा है किस तरीके से आपको ये वाला जो है प्रोजेक्ट बनाना होता है, ठीक है। अगर आपने पिछले वाला एपिसोड नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, ठीक है। ये हम बना लेते हैं यहाँ पर, देने से ओके कर लेते हैं। अब ये यहाँ पर ओपन हो जाता है। सो यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना मैंने पहले से सिखा दिया था, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिपीट के लिए ये चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर जैसे आपको ये प्रोजेक्ट जैसे ही खुलेगा, उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये वाला न्यू बिन का ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से फोल्डर बना लीजिए, जो जो चीज़ें आपको इसमें यूज़ करनी है। जैसे मुझे फुटेज यूज करना है, ऑडियो है, देन प्रीसेट्स हैं बहुत सारे, ठीक है। मैं कुछ सिक्वेंसी बनाऊँगा अलग अलग तरीके से, तो कोई भार ना रहे, तो ये मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये बनाने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहला जो ऑप्शन आता है कि आपको इंपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। जो पहला चीज़ जो मैंने आपने थंबनेल में बताया कि इंपोर्टर सीक्वेंस के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ होती है कि हम डेटा को इंपोर्ट कैसे करेंगे प्रीमियर प्रो के अंदर, ठीक है। तो ये आप गए, सपोज आप ब्लॉग एडिट कर रहे हैं तो ब्लॉग में तो ज़्यादा क्लिप्स होती नहीं है, तो आप एक साथ यहाँ पर सारी क्लिप्स ऐड कर सकते, ठीक है। तो कैसे ऐड करनी है, पहला तरीका तो ये होता है कि आप डायरेक्ट फोल्डर में जाइए। जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये अगर मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ और मैं यहाँ पर वीडियो देखता हूँ, तो जितनी वीडियो है मैं कंट्रोल ए करता हूँ और इस सारी वीडियो को उठा के वहाँ ले जाता हूँ। मान के चलते हैं, मैं दो क्लिप का दिखाता हूँ आपको, आप सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सारे सेलेक्ट करने से क्या टाइम लेगा इम्पोर्ट होने में, तो मैं फिलहाल तीन क्लिप उठाता हूँ, ये प्रीमियर प्रो में जाता हूँ और यहाँ फुटेज के ऊपर डाल देता हूँ, तो ये फुटेज के अंदर आ जाएगा। ये आप देखेंगे ये यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आ चुके हैं। अब दूसरा तरीका कौन सा है, पहला तरीका तो ये हो गया, आप जहाँ पर आपको फुटेज है वहाँ पर आप उसे उठाइए और सीधे यहाँ पर ले आइए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब डेटा कई बार ज़्यादा हो जाता है, 200-300 क्लिप होती है, तो आने में थोड़ा टाइम लेता है, कई बार पीसी हैंग भी मारना शुरू कर देता है, बीच में कुछ काम नहीं कर सकते आप उसमें। तो आप क्या करो कि दूसरा तरीका ये होता है कि फुटेज पर क्लिक करो, कंट्रोल आई प्रेस कीजिए, ठीक है। और ध्यान रखना है कंट्रोल आई कैसे प्रेस करना है आपको, जिस फोल्डर के अंदर आपको वो इंपोर्ट कराना है। जैसे मुझे फुटेज के अंदर लाना है तो मैं फुटेज के लाऊँ, अगर मुझे ऑडियो के अंदर कोई ऑडियो लाना है तो फिर मैं कंट्रोल आई ऑडियो पे क्लिक करके करूँगा, ठीक है। ये क्लिक फुटेज पे कीजिए, उसके बाद कंट्रोल आई प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप जाएंगे वीडियोज़ के अंदर। अब यहाँ पर आपको जितनी चाहिए उतनी आप इम्पोर्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ये 8-10 क्लिप ले लेता हूँ, ठीक है, ये 8-10 क्लिप ले ली, ये ओपन कर, आप सारी भी कर सकते हैं, कंट्रोल ए करके सारे सिलेक्ट कर दीजिए, ओके प्रेस करेंगे तो ये सारी अंदर आ जाएंगी। ये देखिए थोड़ा टाइम लेगा, अगर ये बहुत ज़्यादा है तो काफ़ी टाइम भी ले सकता है, ठीक है। पर ऐसा नहीं कि 8-10 घंटे ले लेगा, मतलब 2-3 मिनट का टाइम जो भी ले गए उतने में ये सारी इम्पोर्ट हो जाएंगी। इस तरीके से आप फुटेज को दो तरीके से प्रीमियर प्रो के अंदर इम्पोर्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है, ठीक है। इतना आपने समझ लिया। उसके बाद जब आप इनको देखेंगे, यहाँ पर फुटेज आ चुका है। अब सपोज आपको यहाँ पर फुटेज के अंदर का डेटा देखना है, क्लिप्स देखनी है आपको, तो आपको क्या करना है कि इस फुटेज को डबल क्लिक कर लीजिए। जिस फोल्डर का डबल क्लिक करेंगे ये अलग से खुल जाएगा, और उसके नीचे सबसे नीचे जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट व्यू है, इसके बगल में आइकन व्यू, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डबल क्लिक करके आप सोर्स मॉनिटर में यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा सही है नहीं है, फिर यहीं से आप उठा के से टाइमलाइन पे ले आ सकते हैं। जब आप इतना कर लेंगे तब बारी आती है कि टाइमलाइन पर इसे लाएं कैसे और सीक्वेंस कैसे बनाएं, ठीक है। तो लाने का तरीका, टाइमलाइन पे ले जाने का तरीका एक तो ये है, अगर मैं इसे बंद कर लेता हूँ यहाँ से तो ये जाता हूँ, ये है मेरा क्लिप 1 से शुरू, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये
FPS के हिसाब से अरेंज्ड होता है, ठीक है। ये 25 FPS पहले है, फिर इसमें 50 FPS लास्ट में है। तो आपको क्या करना है, नेम पे क्लिक करना है और ये नेम वाइज जो है आ जाएगा सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5 आ गया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप डायरेक्ट सीधे सेलेक्ट कीजिए और इनको यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए और इन सबको यहाँ एक साथ ले आइए। एक तरीका तो ये है, ये ऑटोमेटेड सीक्वेंस यहाँ पर बन जाएगा। आप ये नहीं देखेंगे, जहाँ जिस फोल्डर के अंदर आपने फुटेज रखा हो वहाँ पर ये सीक्वेंस इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक पहले एक ले आइए, फिर आप जैसे जैसे आपको इच्छा हो रही है वैसे वैसे आप एक एक करके इनको लाते रहिए, जैसे आपको। इसमें थोड़ा क्या होता है, टाइम कंज्यूम बहुत होता है। उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं कि जो मेरा तरीका है, मैं एक साथ सबको सेलेक्ट करता हूँ और सबको नीचे ले आ जाता हूँ। यहाँ पर इसे उठाता हूँ, एक साथ इन्हें नीचे ले आता हूँ, उठा के आप टाइम लाइन पर डाल दीजिए, ठीक है। दो तरीके हो गए, या तो आप एक एक करके इसे यहाँ पर टाइम लाइन पर ले आइए, या तो एक साथ सबको सेलेक्ट करके यहाँ पर ले आइए। ऐसे करने का ये जो तरीका है टाइम लाइन पर डेटा को लाने का, इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटेड जो सीक्वेंस बनता है, जैसे आप इसे उठाएंगे यहाँ पर लाएंगे टाइम लाइन पर, तो यहाँ पर ये सीक्वेंस C001 करके एक सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है। इसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको इसे रिनेम करना पड़ेगा, फिर आप इसे सेव करना पड़ेगा कहीं और, क्योंकि फुटेज के अंदर ये मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। और ये प्रोफेशनल तरीका है भी नहीं बनाने का, ठीक है। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको सीक्वेंस बनाना हो, देखिए मैंने सीक्वेंस के लिए फोल्डर अलग बनाए, इसके अंदर जाइए और यहाँ पर आपको दिखेगा ये डिलीट जो बिन है, क्लियर बैक स्पेस का जो बटन है, इसके बगल में आपको न्यू आइटम का ऑप्शन दिखेगा और यहाँ पर आपको आएगा सीक्वेंस का ऑप्शन, इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, एरी, AVCHD, कैनन, FX, XF, ठीक है, DNHSR, DV का फॉर्मेट, DVNTSC, DVPAL का। तो आप किसी भी फॉर्मेट में एक बना लीजिए, ये HDV में बनाना आपको, इसमें बना लीजिए। तो मैं जो बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा डिजिटल SLR में बनाता हूँ, 1080 में 30 FPS या 25 FPS या 25 FPS में मैं बना लेता हूँ। सपोज मैं 30 FPS में बना देता हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ, सपोज मैं वेडिंग बना रहा हूँ तो हम वेडिंग एपिसोड करके बनाते हैं, मैं रिंग सेरेमनी बना रहा हूँ तो मैं पार्ट 1 करके बना लेता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी डाल सकते हैं जो भी आपको यूज करना है, ठीक है। जब एक्सपोर्ट होगा तो इसी नाम से वो एक्सपोर्ट होगा बाहर, एक्सपोर्ट होने के बाद आप चेंज कर सकते हैं, या एक्सपोर्ट के टाइम भी चेंज कर सकते हैं। तो ये पार्ट 1 करके सीक्वेंस अलग से बन गया, ठीक है। इससे क्या होगा, इसे करने से क्या होगा कि ये आपके फुटेज के अंदर नहीं मिलेगा आपको, ये आपको अलग से मिल जाएगा। बाय प्रोफेशनल तरीका भी यही है कि आप अलग से इसे बनाएं, ठीक है। ये तो हो गया आपका सीक्वेंस बनाने का तरीका, लेकिन इसके अंदर क्या क्या सेटिंग होती है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो फिर दोबारा से हम सीक्वेंस लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने DSLR 30 कर लिया, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आप सेटिंग के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पर एडिट मोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देखो मेरा ऑप्शन आ गया DSLR, ठीक है। फ्रेम रेट 1920 1080 आ गया, ये सब आप ऊपर करेंगे, यहाँ पर देखेंगे मैक्सिमम बिट डेप्थ और इसे ऑन कर दीजिए आप, ठीक है, और मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी इसे भी ऑन कर दीजिए, ठीक है। इस प्रीसेट को भी आप सेव कर सकते हैं कि आपको दोबारा ही काम में आए, ठीक है। ये तो हो गया 1920 and 1080 का प्रीसेट, ठीक है। अगर सपोज आपको इंस्टाग्राम के लिए कोई सीक्वेंस बनाना है इसके अंदर, तो अब वो आप कैसे बनाएंगे इस बारे में बात करते हैं, ठीक है। फिर आपको दोबारा यहीं पर जाना, न्यू आइटम पे सीक्वेंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही ऑप्शन सब आ जाएगा इसमें कुछ नहीं करना, आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर इसे कर लेना है कस्टम, ठीक है। एडिटिंग मोड दिखेगा आपको, एडिटिंग मोड में कर देना है कस्टम। यहाँ पर आपको करना है इसे उल्टा, यानी 1080 and 1920, जैसे आप इसे उल्टा करेंगे 1080 and 1920 को, ये नीचे अपने आप, अगर आप सबसे नीचे जाएंगे आपको दिखा देगा विड्थ 608 और हाइट 1080 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आपको वर्किंग कलर स्पेस में रख 79 ही रखना है, ठीक है। बाकी बाय डिफॉल्ट जो भी है वो बिल्कुल सही है, स्क्वायर पिक्सल 10, ठीक है, वो भी सही है। और यहाँ पर फिर आप इसे मैक्सिमम बिट डेप्थ जो है और मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी को ऑन कर दीजिए, और आपको ये जो कस्टम साइज है इंस्टाग्राम के रील का, ये आपको बार बार ना बनाना पड़े, इसके लिए इसे सेव प्रीसेट कर लीजिए, इसका नाम रख लीजिए इंस्टाग्राम साइज, या जो भी आपको याद करने के लिए रखना है, ठीक है, और इसे ओके प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ये आपके आ गया, मैंने पहले से भी बना रखा है इंस्टाग्राम रील साइज, ठीक है, वो सेम है
देखो इंस्टाग्राम रील यहाँ पे कस्टम में आ गया, और यहाँ पर जो अभी मैं जो सीक्वेंस बना रहा हूँ उसका कुछ नाम रख, सपोज मैं रख रहा हूँ कि रील वन, आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। अब आप जब भी इंस्टा रील दोबारा से इसको साइज लेंगे इंस्टाग्राम रील का, तो आपको दोबारा से वो सारी सेटिंग कस्टमाइज नहीं करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्टली यहाँ जाना है, सीक्वेंस में जाना है, और सबसे नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम का, ठीक है। सबसे नीचे जाएंगे, कस्टम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आप जैसे इस इंस्टाग्राम साइज पे क्लिक करेंगे, ओके प्रेस करेंगे, तो एक नया सीक्वेंस यहाँ पर जनरेट हो जाएगा इंस्टाग्राम साइज। इस तरीके से आप इसमें सीक्वेंस बना सकते हैं। और जो मैंने पहले बताया किस तरीके से आप इसमें डेटा को इम्पोर्ट कर सकते हैं, वो मैंने आपको पहले से बता दिया। अब सपोज मुझे यहाँ पर ऑडियो जो है इम्पोर्ट करना है, तो कैसे करना है, तो ऑडियो का भी सेम है, कुछ भी आपको इम्पोर्ट करना प्रोसेस सेम है, ठीक है। कंट्रोल आई कीजिए, और जहाँ पर भी आपका ऑडियो है, सपोज मैंने डाउनलोड में कुछ ऑडियो, यहाँ पर एक गाना है बोलो ना, ये मैं ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आप इसे भी बस इस तरीके से आप यहाँ पर ऑडियो भी इम्पोर्ट कर सकते, ठीक है। कुछ भी आपको इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट का ऑप्शन सेम है। कई बार लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर जो है जो फुटेज जितना भी है आपका, उसे एक साथ इम्पोर्ट करेंगे, एक एक करके वहाँ से फाइल से इम्पोर्ट करें, तो मेरा ये मानना है कि आप एक साथ इम्पोर्ट कर लीजिए, जितने भी डेटा में आपको काम करना है उसे एक साथ इम्पोर्ट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, एक साथ डेटा आपका यहाँ आ जाएगा, आप एक करके चेक करके ले आ सकते हैं, जितनी बार आप इम्पोर्ट करेंगे आपका टाइम उतने ज़्यादा जाएगा, तो एक बारी में ही इम्पोर्ट कर लीजिए। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डेटा कैसे इम्पोर्ट करना है, एंड सेकेंड कि सीक्वेंस कैसे बनाना है। सो गाइज, आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आई होप मैंने जो भी आपको बताया है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने सारे एपिसोड छोटे छोटे करके बनाए हैं, ताकि आपको कम मात्रा में और ज्यादा अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ एक ही चीज को। तो डिटेलिंग का काफी ध्यान रखा है मैंने इस वाले एपिसोड में। पिछले एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, ताकि आपको शुरू से समझ में आइए कैसे प्रीमियर प्रो में एडिट करते हैं। तो अगले वाले एपिसोड का इंतजार कीजिए, इस एपिसोड को आप पूरा देखिए, और फिर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और अगला एपिसोड हम लाएंगे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए लाइक शेयर कर सब्सक्राइब कीजिए सिनेमा सीक्रेट को। थैंक यू।